नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है मनुष्य को मृत्यु से पहले मिलते हैं कुछ खास संकेत, ऐसे दिखती है मौत की तस्वीर। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि व्यक्ति एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जरूर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसको लेने के लिए हमें मौत आती है, उसको लेने के लिए मौत आती है। अब आप भी जानना चाहते होंगे कि जैसी व्यक्ति की मौत नजदीक आती है तो उसको ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं कि व्यक्ति की मौत नजदीक आ चुकी है। और हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी देखेंगे कि उस मौत को हम कैसे पहचाने कि मौत नजदीक है। दोस्तों, अब देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मृत्यु शाश्वत है, इसका मतलब दोस्तों मृत्यु निश्चित है। जिस प्रकार एक शिशु का जन्म 9 महीने के उपरांत माता के गर्भ से होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी अपने आने का संकेत देती है। मनुष्य के जीवन में जब कुछ विचित्र ऐसी घटनाएं होने लगे तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु का संकेत दे रही है। हालांकि ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन पर ध्यान ही नहीं देते, और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। मृत्यु के बाद हमें कष्ट मिलता है, मृत्यु के जब मृत्यु आती है तो उस समय हमको कष्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मन की इच्छाएं हैं वो अभी पूरी नहीं हुई हैं। और जब व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को त्याग करके एक शांत मन से उसकी मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति की मौत में कष्ट नहीं होता है। अब देखेंगे दोस्तों इसका पुराणों में क्या महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है, और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। लोग हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मरते समय या मरने से पहले व्यक्ति कैसा महसूस करता है। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव महापुराण में मृत्यु से पूर्व के संकेत बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्या हैं वो संकेत। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि मृत्यु आने से पहले वह कौन से ऐसे संकेत हैं जिन्हें महाशिव पुराण में बताया गया है। तो आप देखेंगे दोस्तों, मरने से पहले हैं मिलते हैं ऐसे संकेत। जी हाँ दोस्तों, मरने से पहले मिलते हैं ऐसे संकेत। यहाँ पर ये व्यक्ति का शरीर उसकी आत्मा है और व्यक्ति के शरीर को ये आत्मा छोड़ के जा रही है, जैसा कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। शिव महापुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीनों पहले जब इंसान को मुंह, जीभ और आंखें, कान और नाक पत्थर के जैसी होती महसूस होने लगे। दोस्तों, आंखें, मुंह, जीभ, कान और नाक बहुत कठोर होने लगे तो वह व्यक्ति की जल्द मौत होने का इशारा समझा जाता है। अब देखेंगे दोस्तों, ये व्यक्ति है, इंसान है, ये जो महिला लेटी हुई है इनकी मौत हो चुकी है और इनकी जो आत्मा है कैसे चीखती हुई निकल रही है, क्योंकि इनकी भी कोई इच्छाएं होगी, इनको भी कहीं घूमने की पड़ी होगी। अब दोस्तों देखेंगे कि इनको जाना कहाँ है, क्यों इनकी ये आत्मा इतना चिल्ला के निकल रही है। शिव महापुराण में भगवान शिव के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति का शरीर नीला या पीला पड़ जाए या फिर उसके शरीर पर ढेर सारे लाल निशान दिखाई देने लगें तो यह इस ओर इशारा करता है कि व्यक्ति की मौत नजदीक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी आप देखिए, वही महिला है, उसी महिला को जो बॉडी है उसकी बॉडी से उसकी आत्मा निकल रही है। पता नहीं कहाँ जाना, ब्यूटी पार्लर जाना था, कहना किससे मिलने के लिए जाना था, वो नहीं मिल पाए दोस्तों, और वह मृत्यु को प्यारी हो गई है।
शिव महापुराण के अनुसार यदि आपकी परछाई आपको नहीं दिख रही है तो यह मृत्यु करीब आने का सूचक माना गया है। वहीं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अधिक आयु वाले व्यक्ति को जब अपनी छाया धड़ रहित दिखाई दे, दोस्तों धड़ रहित का मतलब होता है बिना गर्दन के, दिखाई दे तो वह व्यक्ति की मौत बहुत जल्द होने वाली होती है। ये मौत के कुछ पल हैं, ऐसी दिखाई देती है। और दोस्तों अगला पॉइंट है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के प्रकाश को देखने में असमर्थता महसूस करने लगे, असमर्थता का मतलब होता है देख नहीं पाए, जब वह व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य और आग के प्रकाश को देखने में, मतलब इनके प्रकाश को नहीं देख पाए, तो ये संकेत हैं कि जीवन के उसके पास कुछ क्षण शेष हैं। कहते हैं मृत्यु के कुछ समय पहले व्यक्ति को ध्रुव तारा या सूर्य दिखना बंद हो जाता है, साथ ही रात में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। दोस्तों रात में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है, जबकि आम व्यक्ति को इंद्रधनुष हमेशा दिन में दिखाई देता है। ये देखिए, ये है दोस्तों मौत का एक नजारा। इसीलिए कहते हैं ना, चार दिन की जिंदगी है, हंसते खेलते हुए और मिलते हुए जियो। अब जैसी ये महिला मिल रही थी, ऐसे मिलते हुए नहीं जीना है आपको, अपनी जिंदगी को बढ़िया हंसते हुए गुजारना है। मिलते हुए का मतलब है दोस्तों मेरा कहने से कि अपने माता पिता को खुश रखें और अपने सगे संबंधियों को उनसे मिलते हुए बाकायदा अपने अच्छे संस्कार दिखाते हुए ऐसे जाएं, क्योंकि चार दिन की जिंदगी है। आगे दोस्तों देखते हैं अगले पॉइंट क्या है। यदि किसी व्यक्ति का सिर पर गिद्ध, कौवा या कबूतर आकर बैठ जाए तो यह उस व्यक्ति के महीने भर में काल के गाल में समा जाने का संकेत है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के सिर पर गिद्ध बैठ जाए, कौवा बैठ जाए या कबूतर आकर बैठ जाए तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की महीने भर के अंदर मौत होने वाली। ये देखिए दोस्तों मौत का एक नजारा, आपकी रूह भी कांपेगी दोस्तों, ये ऐसा नजारा रहता है। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि ना यहां से धन जाएगा, ना वस्त्र जाएंगे, ना आभूषण जाएंगे, जाएंगे तो आपके साथ आपके कर्म जाएंगे। यदि व्यक्ति का बाया हाथ लगातार फड़कता रहे, उसका तालू अधिकांश समय सूखा रहे तो उसकी मौत के समीप होने हो सकती है। तो दोस्तों उसकी मौत भी समीप हो सकती है। उसका जो बाया हाथ होता है वह लगातार फड़कता रहे, उसका जो तालू होता है ना वह ज्यादा समय तक सूखा रहे तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की मौत नजदीक है। अब एक तस्वीर और दिखाएंगे हम मौत की। ये देखिए दोस्तों कितनी भयानक तस्वीर है। दोस्तों ये मौत बहुत खौफनाक है, पता नहीं हम लोग इतना, हम लोग, आप लोग, सब लोग इतना घूमते रहते हैं और मौत के बारे में जब देखते हैं, मौत के बाद क्या जिंदगी रहती है पता नहीं कुछ। अभी इतने हंसते हुए, खेलते हुए, लड़ाई झगड़े करते हुए अभी अपना समय निकाल रहे हैं और मौत के बाद पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, कैसा नजारा होगा, आगे की कहानी क्या होगी, ये तो खुद परमात्मा ही जानता है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।